तो नमस्कार दोस्तों, यहाँ पे ऑनर प्ले की बुकिंग जैसे स्टार्ट हुई मैंने आप लोगों को बताया किस तरह से बुक करना है, लेकिन यहाँ पे कई लोगों को दिक्कत क्या आ रही है कि बुकिंग कर रहे हैं, बुकिंग करने के बाद जब फ़ोन की प्राइस पे पेमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे उन लोगों को 22,000 रुपये पेमेंट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लोग उसको छोड़ रहे हैं कि भाई हम इसके साथ नहीं जाएंगे, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इनकी मार्केट स्ट्रेटजी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये मार्केट स्ट्रेटजी ही है। कोई भी फ़ोन अगर ऐसा करता है, कोई भी कंपनी अगर ऐसा करती है, वो लिमिटेड स्टॉक लाती है आप लोगों के लिए, तो वो उस फ़ोन की डिमांड को मार्केट में बरकरार रखे रहना चाहती है, इसलिए वो लिमिटेड स्टॉक लाती है, जिससे कि हमारे यूज़र्स, उनके यूज़र्स यूज़ करने के लिए बेताब रहते हैं कि भाई ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, ये फ़ोन की स्टॉक आने वाली है, इसको हम खरीदेंगे। चाहे कोई भी कंपनी हो दोस्तों, ये इस तरह की स्ट्रेटजी अपनाती है। खैर, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे फ़ोन के बारे में जो कि आप लोगों को 20,000 के आसपास के मिल जाते हैं, 21,000 तक के फ़ोन के बारे में, उनके अंदर के फ़ोन के बारे में बात करेंगे कि आप लोगों को उससे रिलेटेड, यानी कि ऑनर प्ले के अलावा भी आप लोगों को कौन कौन से फ़ोन हैं जो कि लेने चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं। और यहाँ पे अमेज़ॉन पे आप लोगों को, जैसा सभी जानते हैं, फ्रीडम सेल चल रहा है, तो मोबाइल एक्सेसरीज पे आप लोगों को 40% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप छोटे फ़ोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा 8-16% तक का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं फ़ोन्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला मैंने फ़ोन रखा है Vivo V7 का मल्टी ब्लैक फुल व्यू डिस्प्ले है। अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका मेन प्राइस 22,990 है। अगर आप एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 13,600 का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और साथ में इसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को प्राइमरी कैमरा 16 MP का मिल जाएगा और फ्रंट कैमरा आप लोगों को 24 MP का मिल जाएगा, यानी कि 24 MP का मिल जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे अगर इसकी स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 5.99 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। और साथ में अगर इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो 1440x720 पिक्सल का इसका रेजोल्यूशन है। और भी कई सारे कॉन्फ़िगरेशन दी हुई हैं, यहाँ पे मैं आप लोग कंपैरिजन नहीं बताऊंगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ऑनर प्ले से और जितने भी फ़ोन बता रहा हूँ उनकी कंपैरिजन यहाँ पे शेयर नहीं करूँगा आप लोगों से। और इसके प्रोसेसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड V7.10 Fontech 3.2 ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, 1.8 GHz क्वालकम स्नैपड्रैगन 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ। और भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे मैं आप लोग को मेन कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ जहाँ से आप लोग फ़ोन को लेने के लिए डिसाइड करते हैं। 3225 mAh की बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी है दोस्तों। यहाँ पे प्रोसेसर की वजह से आप लोगों को थोड़ी सी बैटरी कम मिलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाएगी, तो आप लोग इसको एक बार चॉइस कर सकते हैं 19,990 रुपये में लेने में। अब यहाँ पे जो दूसरा फ़ोन मैंने रखा है Vivo V9 का 19:9 फुल व्यू डिस्प्ले पॉल ब्लैक गोल्ड विथ ऑफ़र। दोस्तों, यहाँ पे विथ ऑफ़र का मतलब है कि आप लोगों का अमेज़ॉन का जो चल रहा है फ्रीडम इंडिया सेल, उस ऑफ़र में ये आ रहा है। तो आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे 13% ऑफ दिख रहा है, तो यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं, स्टॉक में भी है, आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे अगर इससे कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मेन कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लोगों को प्राइमरी कैमरा ड्यूल कैमरा मिल जाता है 16 MP और 5 MP का। और वहीं पे अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को 24 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। और कैमरे की भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्ट्रा HD करता है, पैनोरामा 4K वीडियो यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं इससे। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है दोस्तों कैमरे की, अगर कैमरे क्वालिटी के लिए लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। और भी आगे जो फ़ोन बताऊंगा वो भी बेस्ट होंगे कैमरे क्वालिटी के लिए। ये फ़ोन को मैं इसलिए रखा हूँ क्योंकि आप लोगों को चाहिए कैमरा, गेमिंग, और साथ में आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा सर्व कर सकें, तो इसलिए मैंने इन फ़ोन को रखा है जो कि आप लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं। बैटरी की बात करें तो 3260 mAh की इसकी लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो एंड्रॉयड V8.1 ओरियो फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 4.0 सिस्टम विद 2.2 GHz स्नैपड्रैगन का 626 ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है। ये वेरिएंट है 4 GB RAM का और 64 GB का इंटरनल। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो 256 GB तक आप इसे बढ़ा सकते हैं। ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी कॉन्फ़िगरेशन सारी, में सारी डिटेल में नहीं बात करूँगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग सारी फ़ोन को देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे तीसरे फ़ोन की बात कर लेते हैं Oppo F7, इसको भी आप डायरेक्टली आकर के चेक कर सकते हैं, आप लोगों को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर इसके कैमरे की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 24 MP का फ्रंट कैमरा मिल जाएगा। ये मेनली फोकस है वीडियो शूट करने के लिए फ्रंट में, अगर आप जैसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लाइव वगैरह होते हैं, तो ये फ़ोन आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। 16 MP का ये रियर कैमरा दिया हुआ है, 15.8 cm का आप लोगों को इसका स्क्रीन मिल जाएगा, यानी कि 6.23 इंचेस की। अगर इसके रेजोल्यूशन की बात करें तो 2080 क्रॉस
1080 पिक्सल का आप लोगों का रेजोल्यूशन मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों का लगा हुआ एंड्रॉयड V8.1 ऑरियो बेस्ड ऑन कलर ऑपरेटिंग सिस्टम, 5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम विद 2.0 GHz MTKP60 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर लगा है, काफ़ी अच्छा आप लोगों को बैटरी बैकअप जो कि दे सकता है। और भी कई सारे कन्फिग्रेशन है इसके GPU के बारे में, GPU भी काफ़ी अच्छा लगा है, गेमिंग के लिए आप लोग काफ़ी अच्छा होगा। अगर इसके रैम की बात करें और इंटरनल स्टोरेज की तो 4GB और 64GB का ये वेरिएंट है। आप लोगों को इसमें डुअल सिम सपोर्टेड है, 128GB तक आप इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसके बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पे 3400 mAh की बैटरी मिल जाएगी और आप लोगों को वारंटी आप लोगों के फ़ोन पे और आप लोगों का जो भी उसके साथ इक्विपमेंट मिल रहा है, जो भी सामान मिल रहा है, उस पर 6 महीने की वारंटी है। अब जो दोस्तों यहाँ पे चौथा फ़ोन मैंने आप लोगों के लिए रखा है वो ऑनर व्यू 10 का है। यहाँ पे आप लोग नेवी ब्लू आप लोग कर रहे थे तो यहाँ पे आप लोग नेवी ब्लू ले सकते हैं। 6GB रैम और 128GB वाला है, थोड़ा सा महंगा फ़ोन है लेकिन इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आप लोगों की फुलफिल जो भी आप लोग डील चाहते हैं वो डील आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये डील आप लोग देख सकते हैं 12 घंटे 50 मिनट 19 सेकंड अभी बचा हुआ है, यानी कि ये चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन का जो फ्रीडम सेल है। तो अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं तो 12 घंटों के अंदर बुक कर लीजिए तो आप लोग यहां पे 11,000 रुपये की सेविंग कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 35,999 की है, यानी कि 36,000 की। तो आप इसका जो 31% ऑफ है उस हिसाब से ये आप लोगों को लगभग 25,000 का पड़ रहा है। तो अगर आपका बजट है इतना तक तो आप इसे खरीद सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि ये बेस्ट फ़ोन है अभी तक का जितना भी मैंने बताया आप लोगों को। अगर इसके कैमरे कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें तो यहाँ पे आप लोगों को दो कैमरे मिल जाते हैं। प्राइमरी वाला यहाँ पे 20+16MP का डुअल प्राइमरी कैमरा है। फ्रंट आप लोगों को 13MP का मिल जाता है लेकिन क्वालिटी काफ़ी अच्छी देगा आपको। और यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन की तो 5.99 इंच का फुल व्यू HD डिस्प्ले मिल जाएगा, यानी कि 18:9 डिस्प्ले की आप लोगों का इसका रेशियो है। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एंड्रॉयड का V8 ऑडियो ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, EMUI 8.0 पे 2.36 GHz प्लस 1.8 GHz वही का किरिन 970 AI ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा है। दोस्तों ये फ़ोन इसलिए ही इसे महंगा बना देता है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वाला भी बना देता है। अगर इसके रैम और इसका इंटरनल स्टोरेज के वेरिएंट की बात करें तो 6GB रैम और 128GB का जो कि इसका इंटरनल स्टोरेज वाला फ़ोन है, आप इसे 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 3750 mAh की बैटरी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी बैटरी है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को अन्य फ़ोन में मिला है 3 महीने आप लोगों को बैटरी की वारंटी है डाटा USB की, और 6 महीने तक आप लोगों को जो भी इक्विपमेंट मिलता है उसके साथ उसकी, और 1 साल की आप लोगों की मैन्युफैक्चरिंग गारंटी है इस फ़ोन की। तो आप लोग एक बार आकर के चेक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे बता पाना सब कुछ मुश्किल है। अगर इसकी सेपरेट वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी, 10 मिनट तक की वीडियो बन जाएगी। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। अब जो दोस्तों आखिरी फ़ोन है वो है वही का Nova 3i ब्लैक। अगर इसके वेरिएंट की बात करें जैसा आप देख सकते हैं 4GB रैम प्लस 128GB मेमोरी का इसका वेरिएंट है। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो आप लोगों को दिख रहा है 20,990, यानी कि लगभग आप लोगों को 21,000-21,500 का फ़ोन पड़ जाएगा। अगर इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को फ्रंट भी डुअल मिलता है और रियर भी डुअल कैमरा मिलता है। जैसा कि आप लोग देख लीजिए 24+2MP का फ्रंट डुअल कैमरा है, ये AI कैमरा सपोर्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 डिफरेंट सीन विथ रियल टाइम ऑप्टिमाइजेशन सपोर्टेड बाई 128GB मेमोरी। दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये भी, आप लोग एक बार रिकमेंडेशन में ले सकते हैं। अगर आप ऑनर प्ले की जगह इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी। और जो मैंने ऑनर का ऑनर व्यू 10 ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप लोग इसे भी लीजिए। अगर आप लोगों को मिल जाता है इसका 6GB वाले से 4GB वाला वेरिएंट तो आप लोगों को थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, बाकी आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह वही मिलेगा। तो दोस्तों चलिए हम इस फ़ोन की बात कर लेते हैं। 24MP प्लस 2MP का फ्रंट डुअल कैमरा AI मिल जाता है, 16+2MP का रियर मिल जाता है। और दोस्तों यहाँ पे और भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई कैमरे के बारे में, आप लोग चेक कर लीजिए। अगर इसके GPU की बात करें तो यहाँ पे GPU टर्बो लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोगों के परफॉर्मेंस को 60% इंक्रीज़ कर देता है। और बैटरी आप लोगों को यहाँ पे 3340 mAh की बैटरी लगी है, पॉलीमर बैटरी यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा आप लोगों को बैटरी बैकअप दे सकती है। तो दोस्तों अगर इसके स्पीड की बात करें तो यहाँ पे अगर किरिन 710 का जो चिपसेट लगा हुआ है इसकी वजह से काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाएगी आप लोगों को, लैकिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं मिलेगी।
हैंग नहीं करेगा फ़ोन। ये जितने भी फ़ोन है वो कोई हैंग नहीं करने वाला है जल्दी, अगर आप लोग इसको रफली यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों से रिकमेंड करूँगा कि कई लोग होते हैं जो फ़ोन को बूट कर देते हैं, तो प्लीज़ आप फ़ोन को बूट मत कीजिएगा। यहाँ पे इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:5:9 का है। यहाँ पे और भी कई सारे डिटेल आप लोगों को दी हुई है। इन पांचों फ़ोन की लिंक मैंने आप लोगों को नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मैं आप लोगों की फ्लिपकार्ट की भी एक बार चेक कर लूँगा, वहाँ पे अगर इसकी अच्छी डील मिल जाती है तो वहाँ की भी आप लोगों को लिंक यहाँ पे दे दूँगा, जिससे कि आप लोगों को खरीदने में फ़ोन काफ़ी आसानी हो। बाकी आप लोग अगर छोटे फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी अच्छी डील मिल जाती है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छी छूट मिल जाती है, 6000 तक ऑफ है। यहाँ पे और भी जैसे ऑनर के फ़ोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारी डील आप लोगों को मिल जाएगी, 9999 की है। और भी कई सारी डील है, आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए। अभी ऑनर का फ्रीडम सेल चल रहा है, कल तक चलेगा, 12 तारीख तक है, तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी डील यहाँ से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जानकारी समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो और दूसरों के साथ शेयर करो, जिससे कि उनके पास भी एक फ़ोन की रिकमेंडेशन आ सके और उन फ़ोन को अपने हिसाब से वो चूज़ कर सकें। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना होगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई और इस तरह की वीडियोस अपलोड करता हूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ सके और आप लोग उससे सबसे पहले जुड़ सके। बाकी हमारे चैनल पे आप और वीडियोस देख सकते हैं जो कि आप लोग काफ़ी हेल्प कर सकता है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।